बेबुनियाद और इलीगल है क्योंकि सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो करनी है उस तारीख से करनी है 4 महीने के अंदर, जिस तारीख को पब्लिक सर्वेंट ने एक पर्टिकुलर केस के अंदर गलत डिसीजन लिया था, जिस गलत डिसीजन की बुनियाद के ऊपर डिपार्टमेंट को यू लगता है कि भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के चार्जेस लग सकते हैं। केस जो है कॉर्डिलिया का वो अक्टूबर 2021 का है, तो वैसे अगर तुम देखा जाए एफआईआर के अंदर मिस्टर कपिल जो कि एनसीबी के ऑफिसर है जो कि कंप्लेनेंट है, उन्होंने ये कहा है कि 94/21 केस नंबर 94/21 जो कि 2/10/2021 को रजिस्टर हुआ था, उसी केस के सिलसिले में समीर वानखेड़े ने कुछ गलत डिसीजंस लिए, वो डिसीजंस इनके हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस बनता है। 17A के तहत वो डिसीजन अगर अक्टूबर 21 में लिया गया तो सेकेंड प्रोवाइजो के हिसाब से उनको 4 महीने के अंदर इस इंक्वायरी को खत्म करके एफआईआर रजिस्टर करना था, जो कि इन लोगों ने नहीं किए। स्पेशल इंक्वायरी टीम जो बनी थी एनसीबी के अंदर वो बनी थी 25/10/2021 को, अगर आप 25/10/2021 की भी डेट लोगे तो 4 महीने से बाहर जाता है और इसलिए वो इलीगल एफआईआर करार दिया जा सकता है। तीसरी बात, कैट के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर जहां पर इन लोगों ने उस रिपोर्ट का रेफरेंस किया, वो रिपोर्ट की तारीख है 16 जून 2021। 16 जून 2021 की भी अगर तुम डेट लो तो उस रिपोर्ट से 4 महीने के बाहर ये पूरा एफआईआर पड़ता है। ये सारी की सारी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई है, प्राइमा फेशी रिकॉर्ड हमारा सबमिशन किया गया है, लेकिन सरकार को यानी कि एनसीबी को और सीबीआई को रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम चाहता था, वो टाइम दिया गया है। एनसीबी ने टाइम मांगी मंडे तक के, सीबीआई मांग रही थी 1 हफ्ते भर का टाइम, लेकिन कोर्ट ने कन्वीनियंस के तौर के ऊपर मैटर को अब रखा है 22 तारीख तक। लेकिन हमारी दलील के हिसाब से हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि जब तक ये मैटर सुनाई नहीं जाता है, वानखेड़े जो है वो सीबीआई की ऑफिस रेगुलरली अटेंड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। 41A की नोटिस जब इन्होंने इनको इश्यू की थी तो 41A की नोटिस के तहत आदमी अगर अटेंड करता है तो उसको तुम अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सीबीआई की दलीलों से हमें शक था कि अटेंड करने के बाद में भी हो सकता है किसी न किसी ग्राउंड के ऊपर, क्रिएटेड ग्राउंड के ऊपर इनको अरेस्ट किया जाएगा। इसलिए हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि सेक्शन 41A3 और 4 को इन्वोक नहीं करना चाहिए, यानी कि इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। वो ऑर्डर कोर्ट ने ग्रांट किया है कि 22 तारीख तक के इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। 22 तारीख को मैटर अभी रखा गया है, एनसीबी 22 तारीख को अपनी एफिडेविट जो है ओपन कोर्ट में फाइल करेगी, हमको कॉपी देगी संडे को, वो एनसीबी की ऑफिस जो एफिडेविट रहेगी उसको स्टडी करके 22 तारीख को आगे जो है वो वेकेशन जज के सामने अब हियरिंग होगी। पिटीशन के अंदर समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ में है और समीर वानखेड़े का चैट मिस्टर शाहरुख खान के साथ में है। आपका सवाल कि शाहरुख खान का चैट रेलिवेंट क्यों है, क्योंकि आर्यन ने बेल के टाइम पर हाईकोर्ट के अंदर रिटन सबमिशन एफर्मेशन के ऊपर फाइल किया सौगननामे पे कि किसी भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर के खिलाफ किसी किस्म की शिकायत नहीं है, और यहां तक कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल जो विलिफिकेशन चल रहा है समीर वानखेड़े का, उसके ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में, उन एलिगेशन को वो सपोर्ट नहीं करता। शाहरुख खान का जो चैट मेल है अगर आप देखोगे तो एक फादर अपने बेटे के लिए जो गिड़गिड़ा के जो रिक्वेस्ट करता है वो रिक्वेस्ट उसने की है। अगर पैसे के कोई डिमांड के बारे में बात होती तो उस चैट मेल के अंदर उसका जिक्र होता कि हमने इतने पैसे दिए, इतने में डिमांड हुई थी, इतने में सेटल हुआ, ऐसी कोई चैट कॉन्वर्जेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, शाहरुख खान समीर वानखेड़े को एक ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर का करार देते हुए ये बोलते हैं कि एक बाप जो है एक दूसरे बाप से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना,
मैं चाहता हूं कि अगर उससे कुछ गलती हुई हो तो उसको हम सुधारें ताकि आगे उसकी जिंदगी बेहतर बने। और एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन समीर कर रहा था, उसके ऊपर किसी किस्म का वैसा केस नहीं बना जो कि दूसरों के ऊपर बना गया। इल्जाम जो लगाए गए हैं वो टोटल बेबुनियाद इल्जाम है। उन इल्जामों को बेबुनियाद बताने के लिए शाहरुख खान का चैट एनेक्स किया गया। जहां तक ज्ञानेश्वर सिंह के चैट का सवाल है, ज्ञानेश्वर सिंह का चैट जो है डिस्क्लोजेस, हियर मी आउट, चैट ऑफ ज्ञानेश्वर सिंह डिस्क्लोजेस एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम अंडर सेक्शन 59 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट एंड वी हैव मेंशन इन दिस पर्टिकुलर पिटिशन दैट द सीबीआई विच हैज सेड दैट द कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट अननोन पर्संस शुड बी वाइडेंड, द स्कोप शुड बी वाइडेंड टू इंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन विद रिगार्ड टू द रोल प्लेड बाय मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह इन दिस केस। जो भी डिसीजन समीर ने लिया था वो चैट के ऊपर ज्ञानेश्वर सिंह के साथ में शेयर किया गया। ज्ञानेश्वर सिंह के बोलने के ऊपर सरकारी वकील को लाया गया। ज्ञानेश्वर सिंह के बोलने के ऊपर पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई। जेल कस्टडी जाने के बाद में पुलिस कस्टडी की डिमांड क्यों नहीं हुई, उसके सवाल ज्ञानेश्वर सिंह ने रेज किए हैं। और आज ये बताया जाता है कि आर्यन खान को उस केस से ड्रॉप किया गया। वो ड्रॉप क्यों किया गया, वो पिटीशन के जो हमने रेज की है उसका कॉन्वर्जेशन है डेप्यूटी लीगल एडवाइजर के साथ में समीर वानखेड़े के बीच में, जो कि बताता है कि उसने जो नोट पुटअप किया था कि सारे के सारे आरोपियों को किन चार्जेस के ऊपर प्रोसिक्यूट करना चाहिए, वो नोट दी गई थी फाइल के अंदर। वो नोट फाइल से डिसअपियर हो चुकी है, वो नोट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो ड्राफ्ट दिया गया था कंप्लेंट का वो ड्राफ्ट चेंज किया गया है। उस वक्त समीर एनसीबी में नहीं था, तो अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन है जिसने वो नोट डिस्ट्रॉय किया, कौन है जिसने ड्राफ्ट चेंज किया, और कौन है जो कि यह डिसीजन लिया कि अब लिस्ट ऑफ अक्यूज अलग होनी चाहिए। जब डीएलए जिसको तुमने अपॉइंट किया हो तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए, हुज अ डिप्यूटी लीगल एडवाइजर जो कि कानून तुम्हारे से ज्यादा बेहतर समझता है, अगर उसने नोटिंग दी है कि भाई इन सब आरोपियों के ऊपर ये चार्जेस लगनी चाहिए, तो वो नोट कहां है, वो डिस्ट्रॉय क्यों हुई नोट, जो ड्राफ्ट भेजा गया था कंप्लेंट का वो ड्राफ्ट कहां है सर, वो ड्राफ्ट डिस्ट्रॉय क्यों हुआ, ये सब चीजें जो है ये इन्वेस्टिगेशन के दायरे में सीबीआई को लाना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारे पिटीशन का एक पर्टिकुलर प्रेयर है। समीर तो कोऑपरेट करेगा ही, लेकिन सीबीआई को भी अब इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपने इन्वेस्टिगेशन का स्कोप वाइडन करना पड़ेगा। सर जानकारी यह भी मिल रही है कि सेक्शन 27 के तहत आर्यन खान के ऊपर एलिगेशन का, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सेक्शन 27 कोई इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा रेप पार्टी के अंदर जो जू के अंदर विश्वास नांगरे पाटिल साहब ने बस्ट की थी, वहां से छोटे छोटे बच्चे जो थे वो सेक्शन 27 के अंदर सब चार्ज किए गए थे, उन सबको 62A के अंदर इम्यूनिटी दी गई और आज वो अपनी अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहे। सेक्शन 27 कोई चार्ज नहीं है जहां पे आरोपी को जेल में जाना पड़ता। अगर सेक्शन 27 का चार्ज डेप्यूटी लीगल एडवाइजर ने सैंक्शन किया था आर्यन के लिए, तो यानी कुछ न कुछ मटीरियल होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने सेक्शन 27 का केस सजेस्ट किया था। अगर उन्होंने 27 का केस ड्रॉप करना था तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करना था, उसको आरोपी बताकर कोर्ट के अंदर इम्यूनिटी की एप्लीकेशन करनी थी 62A के अंदर, जिसमें आर्यन को 62A के अंदर इम्यूनिटी मिल जाती और जिस तरह आज वो आराम से घूम रहा बच्चा तब भी घूम सकता था। हमें आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं है, समीर को आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं है, न मुझे है न किसी को है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को तोड़ा गया, मोड़ा गया एनसीबी के ऑफिसर्स के हाथों, और ये नहीं होना चाहिए। अगर आज हुआ है कल दोबारा होगा, फिर होगा, आज ही इसको रुकना चाहिए। सर ये कब इंक्वायरी के लिए जाने वाले हैं समीर जी सीबीआई ऑफिस में? टुमारो मॉर्निंग। यस देर इज अ वेरी क्लियर कट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट समीर वानखेड़े बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। इफ दे कम फॉर द पर्पज ऑफ सर्च they stay in the house for 14 and a half hours and they pick up his slippers, they pick up his shoes, they pick up his undergarments, they pick up his pants just to find out the valuation of them. What is this? This is vilification without any material. If this is not targeting, then what is it? Everything started with Nawab Malik making the false allegations of 25 crores. That allegation was made by Nawab only because his son-in-law went to jail at the hands of Samir Vankhede. Otherwise, if Samir Vankhede had not arrested his son-in-law,
दिस एलिगेशन ऑफ 25 करोड़ वुड नॉट हैव कम इन। वो 25 करोड़ का फिगर जो है ज्ञानेश्वर सिंह ने नवाब मलिक के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पिकअप करके इन्वेस्टिगेशन चालू करी है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने घूस लिया है तो घूस देने वाला भी तो कोई होगा ना। जो स्टेट की स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, स्टेट ने तो अपनी इंक्वायरी को क्लोज कर दिया है ये बोलकर कि ऐसा किसी किस्म के चार्ज नहीं, ना तो घूस दिया गया ना तो घूस दिया गया। अब सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है? वेन द स्टेट हैज क्लोज दैट इन्वेस्टिगेशन, वेन इज द क्वेश्चन ऑफ री इन्वेस्टिगेशन? क्या आर्यन खान के खिलाफ बदले की भावना? क्या आर्यन खान बदले की भावना? सर क्या कहोगे आप, ये आर्यन खान के खिलाफ हकीकत में कोई एविडेंस थे या नहीं थे? सुनिए, जो मैंने जो अरे मेरे भाई, आप जो सवाल उठाते हो ना, जो मैंने डिस्क्लोजर किया उससे सवाल उठाओ। मेक सम पॉइंटेड गुड क्वेश्चन। आई सेड द कंप्लेंट वॉज डिस्ट्रॉइड, द नोटिंग वॉज डिस्ट्रॉइड। डज इट फिट इन टू योर माइंड? इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इज इट नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाई सीबीआई? कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जो कंप्लेन की ड्राफ्ट थी वो डिस्ट्रॉय हुई, डिपार्टमेंट के बाहर जाके बन के आती है ड्राफ्ट। किसने जाके डिपार्टमेंट के बाहर ड्राफ्ट बनाया? डेप्यूटी लीगल एडवाइजर को क्यों नहीं आप ट्रस्ट करते हो? उसको क्यों ड्राफ्ट बनाने नहीं दिए? जब उसने तुम्हारे को चार्जेस भी बताए तो तुमने उसकी नोटिंग डिस्ट्रॉय क्यों की? मिस्टर संजय सिंह हो, मिस्टर ज्ञानेश्वर सिंह हो, या जो भी सिंह हो, उनको अब इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना होगा। ये तो अभी बहुत सारे थोड़े सवाल है, अब और सवाल पैदा हो गए। मुझे सीबीआई से कोई शिकायत नहीं है। सीबीआई एक मिनट, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे कंप्लेंट है एनसीबी से, एनसीबी के सीनियर ऑफिसर से, वो समीर को टारगेट कर रहे हैं। सीबीआई से मुझे शिकायत नहीं है, मुझे ग्रीवेंस है। और मेरी ग्रीवेंस ये है कि तुम्हारे को 4 महीने की मोहलत थी, वो 4 महीने की मोहलत के बाहर जाकर 2 साल के अंदर आप 11 मई 2023 को अप्रूवल लेकर आते हो यूनियन ऑफ इंडिया से, और उस अप्रूवल की बुनियाद पे एफआईआर रजिस्टर करके इस आदमी को टारगेट करना चाहते हो। मेरी आप लोगों से ये ग्रीवेंस है, आप लोगों को 17A को फॉलो करना चाहिए था, बोल देना चाहिए था कि भाई तुम लोग 4 महीने के बीच में दौरान में नहीं आए, अब ये 2 साल हो गए, अब हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते। मेरी यही शिकायत है सीबीआई से, शुरुआत में भी है और आखिर तक नहीं। एक एक रिएक्शन जरूर दीजिए, आपको ये क्यों किया जा रहा है? थोड़ा खाली सर, आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? बोले आप बोलिए, एक दोन पाउंड पुढ़े सगळे हे शांत होईल। बोलू देन त्यांना बोलू, अरे आता बोलू तो द्या, तुम्ही बोलायला लागा। मात्र मुझे न्यायपालिका पे, हमारे केंद्रीय सरकार पे और सीबीआई पे पूरा भरोसा है कि ये मुझे न्याय देंगे। और बाकी के कुछ व्यक्तियों के वजह से एक वेंडेटा जो निकाला गया, मुझे हमारे पूरा भरोसा है केंद्रीय सरकार पे और जुडिशियरी पे, मुझे न्याय जरूरी है। सर टारगेट बात, एक एक बात समझ में आई जैसे।